जय राम नीरव नचारी राम बिन बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपति गोपी सह गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरि प्रिय वृंदावन तुलसी देवै प्रियाय केशव सज कृष्ण भक्ति प्रद देवी सत्यवतई नमो नमः
श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मध्य गुरुपाद पद्म नितलीला विष्णु विष्णुपाद अष्टोदर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला विष्णु विष्णुपाद अष्टोदर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं यथाजुग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। हम लोग हिंदी बुझ बात सो हम लोग गतकल्य श्रवण कर रहे थे। क्या श्रवण कर रहे थे याद है? बोलो क्या संस्करण रहे? हाँ सब काफी बोल रही है। हाँ प्रसाद बने जा रहे हैं, इसलिए हम गतकल्य ये श्रवण कर रहे थे। हाँ, जिस समय श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ पुरी के तरफ में आ रहे थे, आते आते महाप्रभु ने, अभी महाप्रभु धीरे धीरे गंगा किनारा होते हुए आ रहे थे, अभी किसने जा करके जो वहां के मुसलमान जो राजा था उनको शिकायत कर दिया, किसने बोल दिया कोई एक संन्यास आ रहा है, उसको पीछे लाख लोग हरी बोल निताई गौर ब्रह्मानंदे हरी हरी बोल, लाख लोग उसको पीछे पीछे जिधर जाता है सन्यासी उधर जा रहे। लेकिन महाप्रभु क्या चाह रहे थे, जैसे किसको पता नहीं चले। लेकिन उदाहरण क्या दिया, जैसे आकाश में सूरज उदय होने पर हम हाथ दे करके सूरज को हम बंद नहीं कर सकते, उसका तो आभा प्रकाश तो होगा ही है। उसी तरह श्रीमन महाप्रभु तो कोटि चंद्र है, बहुत चंद्र मुखर्जी बदन उज्जवल महाप्रभु के इसे करोड़ चंद्र कुमार को भी करोड़ सूर्य को भी जो फैल कर सकते हैं, इसलिए कहते महाप्रभु को कौन छुपा सकते हैं। इसलिए महाप्रभु को पीछे सारे भक्त लोग जा रहे थे, किसी ने आकर के शिकायत किया राजा को पास में, अरे कहाँ से एक सन्यास आया पता नहीं क्या पागल बन करके हरिबोल क्या भूत का नृत्य कर रहा है, उसको पीछे लाख लोग उसको पीछे चल रहा है, लाख लोग उसको पीछे चल रहे हैं। लेकिन महाप्रभु भगवान स्वयं हैं, जब तक किसका हृदय में वो स्वयं किसका हृदय में विरोध भाव को प्रकाश नहीं करते हैं, तब तक महाप्रभु का कोई विरोध कर ही नहीं सकते। क्यों? सभी का हृदय में परमात्मा रूप में भगवान ही बैठे। इतने में राजा हैं, राजा पास में किसी ने एक व्यक्ति महाप्रभु को बचाने के लिए बोले, नहीं कोई एक सन्यासी आया है भाई, वैसे कोई आदमी है और घूमने वाले है, उसको पीछे कुछ लोग जा रहे। बोले नहीं ऐसे मत कहा करो, क्योंकि मैं देश का राजा हूँ, मैं देश को प्रजाओं को मैं भरण पोषण करता हूँ, खिलाता हूँ पिलाता हूँ, तब भी मेरे विरोध में सब लोग, राजा का विरोध में सब लोग निंदा चर्चा चुगली कहते, मेरे नाम पर सब चुगली करते हैं, मैं दुनिया को खिलाता हूँ, और सन्यासी किसको एक रोटी भी नहीं खिलाता है, चावल भी थोड़ी नहीं खिलाता है, उसको पीछे लाख लोग क्यों जाए? नहीं लगता है कोई महापुरुष, नहीं तो कोई भगवान होंगे, नहीं तो उसको पीछे इतने लोग क्यों जा रहे हैं। कुछ सज्जन लोगों ने सोचा महाप्रभु को बोल दे, क्योंकि ये मुसलमान राजा और मुसलमान लोग हर समय हिंदुओं को ध्वस्त किया, और विशेष करके जितने सब मुसलमान राजा थे जब उड़ीसा में आते थे, उड़ीसा में बहुत भगवान का मंदिर, ठाकुर जी का मंदिर, गांव गांव में देश देश में भगवान का मंदिर,
मुसलमान क्या करते थे, सारे मंदिर को तोड़ते थे, हिंदू मंदिरों को तोड़ते थे। इसलिए बोले ये तो दुष्ट राजा, पता नहीं इसका बुद्धि कब क्या हो जाए, अभी तो अनुकूल, पता नहीं कब प्रतिकूल हो जाएगा इसका मन। इसलिए एक काम करो, महाप्रभु को बोल देते हैं, महाप्रभु जितने जल्दी हो ये देश को हम पार कर लो, पार करके आप उड़ीसा, उड़ीसा का तरफ में चले जाओ, उड़ीसा धार्मिक लोग है, हैं, वहां पर हिंदू लोग है उड़ीसा में, इसलिए आप जल्दी जल्दी चले जाओ। जब ये बात को बोले तब श्री चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, बोले जार सेवकर नाम करील स्मरण, सर्व विघ्न दूर हए खंडय बंधन। कहते भगवान की बात छोड़ दो, कहते भगवान के जो भक्त हैं, जब उनको नाम को हम लेते हैं, जैसे हम कई बार जाते हैं ना गुरु वर्ग को जय ध्वनि देकर, जय श्री श्री गुरु रंग गांधर्विका गिरधारी राधा विनोद विहार की विजय, नित्य लीला प्रवेश भक्ति स्वरूप सिद्धार्थ गोस्वामी, सब हम गुरु वर्गों का नाम लेकर जाते हैं। क्यों, कारण क्या, बोले कारण है अगर हम गुरु वर्गों का, साधुओं का नाम लेकर के जाए तो हमारे रास्ता में कोई बाधा विपत्ति नहीं आएगा, हैं? इसलिए केवल संतों का स्मरण से ही कहते सारी बाधा विपत्ति संत स्मरण हो जाता है। इसलिए कहते कोनवा ताहर राजा कार तार भय, जाम काल आदि कृत भेद कहे। जिसकी सेवक का नाम लेने से सारे विपत्ति दूर हो जाता है, कहा साक्षात जगन्नाथ है, हैं? कहा साक्षात जगन्नाथ, क्योंकि ये अचल जगन्नाथ महाप्रभु सचल जगन्नाथ, ये अचल जगन्नाथ महाप्रभु सचल जगन्नाथ। कद जिनके केवल जिनका नाम से ही कद जम स्वयं थर थर कांपते हैं। जिस समय कृष्ण जब उज्जैन में पढ़ने के लिए गए थे, तब उनको गुरु जी ने बोले इनको क्या भिक्षा मांगे, क्या इनको दक्षिणा मांगे, पढ़ाई के बाद में दक्षिण गुरु दक्षिणा देना पड़ता है। इसलिए गुरु जी माता सोचे ऐसे एक चीज दक्षिणा मांगे जो इंसान नहीं दे सकता, केवल भगवान दे सकते, इसलिए उनका नाम ईश्वर है। ईश्वर का डेफिनेशन किया, बोले अकर तुम कर तुम अन्यथा कर तुम जो सत्य साई को ईश्वर है, हे को नहीं, नहीं को जो है कर सकते हैं, कहते वो भगवान है। इसलिए अगर ये भगवान होगा लगता है ये भगवान कृष्ण बलराम, क्योंकि साधारण बच्चे 64 दिन में 64 विद्या को अध्ययन नहीं कर सकते हैं, हैं? इसलिए तब उन्होंने क्या मांगे, मेरे बेटा बचपन में मर गया था, मेरे बेटे को वापस। भगवान क्या किया, पहले तो समुद्र में ढूंढे, वहां पर शंखासुर मिला तो उनको विनाश किया, और वहीं से पंचजन्य संख्य को प्राप्त किया, फिर उन्होंने गए जमपुरी में गए और भगवान ने शंख ध्वनि किया, शंख ध्वनि सुनते ही जम महाराज कांपना शुरू हो गए, डर गए, सारा दुनिया मृत्यु का नाम सुनकर डर जाते हैं, अगर हम सुनाई पड़े ना भूचाल आ जाएगा, नहीं तो मुसलमान हिंदू में लड़ाई हो गया, मरने वाले कहीं है कहा गया, अगर डर के मारे छुपेंगे, हाँ डर के मारे जाएंगे नहीं, है डर के मारे मृत्यु का, सबके डरते ना मृत्यु का नाम सुनते ही सब कांप उठते हैं, लेकिन मृत्यु स्वयं कांप उठे जब महाराज सोचे लगता है मेरा ही नंबर अभी आ गया, क्योंकि ब्रह्मा जी का नंबर गया, ब्रह्मा जी का अभिमान को तोड़े, फिर इंद्र का अभिमान वो भी तोड़े, अभी शायद मेरा ही अभिमान आ गया, है मेरा ही अभिमान है, मेरा नंबर आ गया, कांपते कांपते आए, बोले प्रभु क्या दूं, बोले मेरे गुरु पुत्र को वापस, तो उन्होंने उनके मरे हुए गुरु पुत्र को वापस लाए। यहाँ कह रहे हैं जम काल आदि तार भृत वेद गए, कभी जो जम काल ये कौन है, बोले श्री जगन्नाथ जी का सेवक है, इनकी चरण की ये सेवक ये लोग है। इसलिए महाप्रभु कहते हैं कोई डर भय कोई बात नहीं, मैं हूं ना, इसलिए कोई डर भय कोई बात नहीं, बोले आमी जति बोला इसे राजा रे मुखे थे, तब से बोली वे राजा हमारे चाहते, तुम लोग कह रहे हो ना महाराज हमसे आकर के मिलेंगे, नहीं तो उल्टा पुल्टा आदेश देंगे, अरे जब तक मैं ही, क्योंकि जो अंतर्जामी रूप में हमारे हृदय में कौन बैठे, कहते श्री क्षीरद गोसाई विष्णु, है क्षीरद गोसाई विष्णु सभी का हृदय में अब परमात्मा रूप में बैठे, क्षीरद गोसाई विष्णु कौन है, भगवान के बलदेव प्रभु मूल शंकर, फिर वासुदेव, फिर वहां से फिर
कारण तो कसाई गर्भ तो कसाई गिरफ्ती से उनके अंश के अंश के अंश के अंश के अंश है। कभी महाप्रभु स्वयं भगवान है, है? कब जब तक मैं उसके हृदय में स्फुरण नहीं कराऊंगा, स्फूर्ति नहीं कराऊंगा, वो कैसे मेरे को बोलेंगे उनसे मिलना चाहता हूँ। हृदय से तो बुलाने वाले मैं हूं ना, है? और क्या कह रहे हैं, आमा देखी वाले शक्ति कौन बा तहार वेदे अनस्या देखे ना पाया मार। अब कह रहे हो ना मेरे से मिलने चाहिए, इतना आसानी नहीं मेरे से मिलना है, इतना आसानी नहीं मेरे से मिलना। बोले क्यों? कहते मेरे को कौन दर्शन कर सकता है, सभी मेरे को दर्शन नहीं कर सकते हैं। वायु रथा भी मनसा मंदी पुंगा माना, बड़े बड़े ऋषि लोग अपना श्वास को बंद करते हुए हैं, अपना योग समाधि को द्वारा भगवान को दर्शन करना चाहते हैं। ब्रह्मा भी जिनकी चरण की नख की छटा तक भी दर्शन नहीं कर पाते, और राजा मेरे को दर्शन करने बोलेगा, इतना आसानी नहीं मेरे को दर्शन करना, इतना आसानी नहीं है। इसलिए देवर से राजर से सिद्ध पुराने भारत है, बड़े बड़े देवता लोग, बड़े बड़े ऋषि लोग, बड़े सिद्ध व्यक्ति हमें अन्वेषण क्यों ना पाए देखते, ये लोग मेरे को अन्वेषण करते करते तभी मेरे को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, और राजा बोलेगा मेरे को दर्शन करने के लिए इतना आसानी नहीं। इसलिए क्या करो, सबके सब हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। बोलो श्री सचिनंदन गौर हरि की जय। जोर से बोलो हे सचिनंदन गौर हरि की जय। इसलिए बोले कोई चिंता मत करो, महाप्रभु क्या कह रहे हैं, कहते जगत में मैं आया क्यों है, बोले संकीर्तन के लिए ही जगत में मैं आया हूँ। कहते बड़े बड़े देवता लोग जिस प्रेम के लिए तरसते हैं, हैं? ब्रह्मा जी इस प्रेम को पाने के लिए बोले 60,000 साल पत्थर बन करके ब्रह्मा जी तपस्या किया, शंकर जी जो प्रेम को पाने के लिए शंकर जी स्वयं गोपी बन करके शंकर जी आते हैं, उद्धव जी जहाँ पर घास भूसा जन्म पाने के लिए कोशिश करते हैं, लक्ष्मी बोले बिहाय कामान सुचिरा धृत व्रता कहा वैकुंठ सब को छोड़ करके बैल वन में बैठकर कठोर तपस्या कर रही हैं, नारद जी कठोर जहाँ पर तपस्या करते जिस प्रेम के लिए महाप्रभु कह रहे हैं, कहते वो प्रेम को जो बांछा करते हैं, कहते वो प्रेम को मैंने आज चंडाल दीन ही सबको वो प्रेम में दूंगा, इसलिए मैं कलयुग में आया। इसलिए यही प्यार को श्री प्रेमानंद ठाकुर भजन में गाते हैं, कहते हे मन गौरवीना नाही आर, हे मन गौरवीना नाही आर, हे नाव तार अब के होए छे हे न प्रेमा बरम सार, पतित पासंदे प्राणे न मारिल तारे, हरि नाम दिया हृदय सोधिल जाचिया घरे घरे, हे मन गौरवी नानी आर, ब्रह्मा वीर वांछित जे प्रेम जगत कांगाल पाया खाइल नाचिया बाजाइया करदानी, हे मन गौरवी नानी आरे, मन गौरवी नानी। इसलिए यही पद को प्रेमानंद ठाकुर जी भजन में लिखे हैं, कहते हैं महाप्रभु जैसे ऐसे अवतार कभी हुए कभी होंगे। इसलिए ब्रह्मा शंकर जो प्रेम के लिए तरसते हैं, उन्होंने दीनहीन व्यक्तियों को प्रेम को दिया है, हैं? और उनने कुछ विचार नहीं किया, नहीं ये बड़े ये छोटे ऐसे कोई विचार नहीं किया, जा रहे देखे हैं
जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश दूर कृष्ण प्रेम आई से जार दूर दर्शन केवल दूर से महाप्रभु जिसको दूर से देख लिया बस कृष्ण प्रेम आ गया उसको उन्होंने कृष्ण प्रेम प्रदान कर दिया सबको उन्होंने कोई उन्होंने विचार कुछ नहीं किया इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं बोले पृथ्वी पर जत जत आछे देश ग्राम सर्वत्र संचार है वेग मोर ना ये महाप्रभु का भविष्यवाणी क्या भविष्यवाणी है बोले पृथ्वी पर जत जत आछे देश ग्राम पृथ्वी तक पृथ्वी में जितने देश ग्राम है क्या होगा सर्वत्र संचार है वेग मोर नाम एक दिन ऐसा आएगा सर्वत्र मेरे नाम संचार होगा सबके सब प्रेम सुखी है या लोग मर गाय भी के गुरु के सब लोग प्रसन्न होकर के श्री सचिनंदन गौर हरि की ये महाप्रभु स्वयं कह रहे हैं ये मेरी इच्छा है इसलिए महाप्रभु कहते जगत में ऐसे कौन जो मेरे को ढूंढने वाले सब मेरे को नहीं ढूंढते हैं कोई स्त्री ढूंढता है कोई बेटा ढूंढता है कोई पैसा ढूंढता है कोई बीवी ढूंढता है मेरे को जगत में कौन ढूंढता है भगवान को ढूंढने वाले कोई जगत में है क्या ढूंढने वाले हैं कहते मेरे को ढूंढने वाले कोई नहीं है इसलिए राजा मेरे साथ में मिलने के लिए नहीं आएंगे इसलिए कोई चिंता मत करो चलो महाप्रभु क्या कर रहे हैं बोले मथुरा चलो लेकिन मथुरा चलते चलते महाप्रभु ने क्या किया उनने श्री अद्वैत आचार्य के घर में महाप्रभु ने आए तो उनके घर में आए इतने में अद्वैत आचार्य आते ही तब भिक्षा करने के लिए चाह रहे थे इतने में एक कोई एक व्यक्ति आ करके श्री अद्वैत आचार्य को उन्होंने एक प्रश्न किया है अद्वैत आचार्य एक प्रश्न किया बोले क्या प्रश्न है बोले श्री चैतन्य महाप्रभु का गुरु जी कौन है क्या प्रश्न है चैतन्य महाप्रभु का गुरु जी कौन है अभी अद्वैत आचार्य साधारण है स्वयं सदाशिव महाविष्णु वो तो बड़ी चिंता में पड़े बोले दो तरह का व्यवहार है एक 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 है पारमार्थिक व्यवहार एक लौकिक व्यवहार है दो तरह का व्यवहार है तो उन्होंने देखा पहले तो लौकिक व्यवहार बोलना पड़ेगा है लेकिन लौकिक व्यवहार में जैसे हम कहते देवकी नंदन कृष्ण क्या कहते हैं देवकी नंदन लेकिन क्या कृष्ण देवकी नंदन है नहीं क्योंकि कृष्ण स्वयं कहते ना पिता अहमस्य जगत धाता माता पिता हे अर्जुन जगत का पिता माता भाई बंधु मैं ही सब कुछ हूँ जगत का पिता कृष्ण जगत का पिता इसलिए इनका नाम क्या है जगन्नाथ जगन्नाथ मतलब क्या विश्व ब्रह्मांड का जो नाथ है वो जगन्नाथ है इसलिए बोले एक व्यवहार की और एक पारमार्थिक पारमार्थिक में क्या जगत का पिता भगवान है लेकिन व्यवहारिक रूप में भगवान को जसोदा नंदन देवकी नंदन 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 ठाकुर जी को ऐसे बोलते हैं इसलिए बोले तब उन्होंने क्या किया व्यवहारिक जो बात है ना उन्होंने व्यवहारिक रूप में बोले कहते श्री महाप्रभु का गुरु तो श्री केशव भारती केशव भारती इतना सुनते ही कहते अद्वैत आचार्य प्रभु का एक छोटा बच्चा था उनका बेटा केवल 5 साल का ऊपर 5 साल में कितना बड़ा होता है छोटा सा बच्चा है खेल रहे था वो और प्राण नंगे धड़ंगे और शरीर में कोई कपड़े नहीं और शरीर खेल रहे थे बच्चे जैसे खेलते हैं धूल में सारा शरीर धूसरी हो रहा था इतना सुनते ही जब अद्वैताचार्य बोले महाप्रभु का गुरु श्री केशव भारती दौड़ते दौड़ते आ गया आ करके है बोले की बोली ला बाप बोलो देखिए आर बार चैतन्य गुरु आचे विचार तुम्हार बोले पिताजी आप क्या बोला और एक बार बोले 5 साल का बच्चे अद्वैत आचार्य कहा सदाशिव महाविष्णु कहते हैं आर बार बोलो आपने क्या बोला चैतन्य गुरु आचे तो विचार तुम्हारी विचार महाप्रभु का गुरु आप ऐसे कैसे बोले किस साहस में जीवा में ये बात लाए हैं कहते लगता है ये कलयुग आ गया लगता है ये कलयुग आ गया है हैं? इसलिए कलयुग आ गया लगता है विष्णु माया बड़ा कठिन है विष्णु माया ऐसे है क्या है भगवान की माया कहते श्री ब्रह्मा पर्यंत व्यक्तियों को भ्रमित कर देता है
भगवान की माया, शंकर स्वयं माया में मोहित हो गए, ब्रह्मा जी स्वयं माया में मोहित हो गए, बलदेव प्रभु भी कृष्ण माया में स्वयं, दाऊ भैया भी बलदेव प्रभु भी मोहित हो जाते हैं जिनकी माया में। इसलिए यहाँ कह रहे हैं बल अनंत ब्रह्मांड जय चैतन्य की छाए, सब चैतन्य रोम कुपते मिसाए। कद अनंत ब्रह्मांड जय चैतन्य छाए, कद एक ब्रह्मांड नहीं जिनकी एक एक लोक में अनंत करोड़ ब्रह्मांड विद्यमान है। बोले सब चैतन्य लोमो कुपित मिस मिला मिसाए, जब भगवान इच्छा करते हैं विश्व ब्रह्मांड उनका अंदर, जब भगवान श्वास लेते हैं ये विश्व ब्रह्मांड सृष्टि होता है, जब श्वास छोड़ते हैं जब लेते हैं विश्व ब्रह्मांड उनके शरीर में सब समा जाता है, हैं सर्व सब आत्यंतिक प्रलय हो जाता है। इसलिए और जिनकी एक एक लोक में कितने ब्रह्मांड विद्यमान है, इसलिए जार जिनकी नाभि कमल से ब्रह्मा जी पितामह, ब्रह्मा जी नाभि कमल से सृष्टि हुए, लेकिन ब्रह्मा जी जब भगवान की नाभि कमल से सृष्टि हुए पहले उनका एक सर था, एक सर था, तो ब्रह्मा जी बोले भैया मेरी सृष्टि हुआ कहां से, तो चार तरफ में देखने की इच्छा हुई, फिर उनका चार सर निकल गया, चार सर निकल गया, फिर सोचे ब्रह्मा, ब्रह्मा मतलब क्या है, ब्रह्मा का मतलब क्या, बोले ब्रह्मा एवं सर्वभूत भगवते, ब्रह्मा मतलब था जो सब जानते हैं, ब्रह्मा पितामह है ना जगत का सृष्टि करने वाले, लेकिन ब्रह्मा भी सृष्टि होकर के कहते बड़ी सृष्टि कहां से हुई, वो कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। फिर उन्होंने कमल नाड़ में उन्होंने ढूंढे, पता नहीं कितने काल तक ढूंढते रहे, लेकिन वो भगवान के नाभि कमल से जो कमल नाड़ निकला वो उसी में ही ढूंढते ढूंढते रह के पता ही नहीं पाए मेरी सृष्टि कहां से। फिर ऊपर में उठे, फिर जब ऊपर में उठे फिर उनको व्यंजन वर्ण का सोलमा और एक उसमें अक्कर सुने, लता और प, ये दो जब तप सुने तो उन्होंने तपस्या में बैठे, जब तपस्या में बैठे बोले ज्ञानम में परम विधम जत विज्ञान समन्वितम सह रहस्य तदगन चक्रियाणम गणितम। भगवान ने फिर अपना ज्ञान विज्ञान को साथ में ज्ञान उन्होंने पितामह ब्रह्मा जी को उन्होंने प्रदान करते हैं। इसलिए यहाँ पर कहते हैं वो कुछ नहीं समझ सके ब्रह्मा जी, हैं फिर उन्होंने शरणागत हुए, फिर भगवान इसको ज्ञान प्रदान किया, फिर उन्होंने उसी ज्ञान को उन्होंने श्री सनकादि को प्रदान करते हैं, फिर उसको बाद में वही ज्ञान ही सारा दुनिया को, यही ज्ञान सारा दुनिया को प्राप्त हुआ। इसलिए कहते यहाँ पर अच्युतानंद कह रहा है, अच्युतानंद अद्वैत आचार्य छोटा बेटा कहते हैं तुम जगत का शिक्षा गुरु हो करके आप कैसे बता दिया महाप्रभु का गुरु कैसा भारत है, आप कैसे बताया है, कैसे बताए। अभी श्री अद्वैत आचार्य 5 साल का बच्चा और पिताजी को उपदेश दे रही और स्वयं सदा सिंह जो महाविष्णु है वो छोटा बच्चा उनको ज्ञान दे रहे और अद्वैत आचार्य चुप होकर सुन रहे, क्या बात है, क्या बात तुमने बताया है, क्या दिव्य ज्ञान प्रदान किया है। उन्होंने प्रेम में गदगद हो गए हैं, अपना बेटा का ये ज्ञान उनको पता है ना महाप्रभु कौन है, उनका हृदय प्रेम में कैसे छोटा बेटा इतने ज्ञानी इतने विद्वान है। इसलिए उन्होंने क्या किया वो बच्चे को, तब वो प्रेम में गदगद होकर के कह रहे हैं बेटा तुम मेरे बाप, मैं तेरा पिता, तुम मेरे बाप, मैं तेरे बेटा हूँ, तू मेरा बाप हो और मैं तेरा बेटा हूँ भगवान है, इसलिए पिताजी कह रहे तू मेरा बाप हो और मैं तेरा पिता हूँ। जब उन्होंने ये बाप को बोले हैं इसको सुन करके फिर श्री अच्युतानंद उन्होंने फिर लज्जित हो गए और उन्होंने क्षमा प्रार्थना वाले अद्वैत आचार्य बेटे से क्षमा प्रार्थना, कहते बेटा मेरा अपराध को क्षमा कर दे, वो गलती कर दिया है, गलती कर दिया। तब उसको सुन करके फिर लज्जित हो गए हैं, तब फिर उन्होंने तब वो जो प्रश्न करने के लिए जो व्यक्ति आया था प्रश्न कर रहा था महाप्रभु का गुरु कौन है, जब पिता और बेटे का अंदर में उन्होंने ये सब बात को डिस्कशन को सुना बोले आज मेरे जीवन धन्य हो गया है, मैं क्या पता नहीं कैसे समय पर मैंने आया हूँ, किस समय पर आया हूँ, इतने छोटे बच्चे के मुंह में
इतने दिन पर ज्ञान है, मैं तो कभी सोच नहीं सकता 5 साल का बच्चा ऐसे अपना पिताजी को इतने दिन पर ज्ञान प्रदान करेगा, इसलिए मैं तो धन्य हो गया। इतने में श्री अद्वैत आचार्य कहते हैं, अद्वैत आचार्य नाचने लग गए और उन्होंने जो अच्युतानंद का जो शरीर में धूल लगा हुआ था ना, स्वयं पिताजी उसका धूल लेकर अपना सर पर लगा है, सर पर लगा इसके ज्ञान की बात को सुन करके है। तब इतने में बोले भगवान जब आते हैं ना, वो अकेले नहीं आते हैं, वो अपना सचमुच से श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी सपार्षदाम सहबन, सचमुच से भगवान इस जगत में महाप्रभु अकेले नहीं आए, पूरा उन्होंने अपना परिकरों को लेकर के जगत में परिकरों को लेकर के आए हैं, इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु भी वो बच्चे को गोद में उठा लिए, बच्चे को गोद में उठा लिए लेकर के अपना गोद में ले गए। और जितने भक्त लोग थे ना, इसको देख करके बोले श्री अच्युतानंद की, बोले श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, जय निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। अभी श्रीमान महाप्रभु श्री अद्वैत आचार्य जी के घर में आए, इतने में अद्वैत आचार्य के आनंद की सीमा नहीं, आज मेरे घर में भगवान, मेरे घर में ठाकुर जी आ रहे, बड़े प्रसन्न है भगवान मेरे घर में आएंगे। इसलिए उन्होंने किसी एक व्यक्ति को बोल दिया, तुम जाओ आई को, आई मतलब महाप्रभु जो माता जी सची माँ, उनको बोल दो श्री चैतन्य महाप्रभु मेरे घर में आ रहे हैं और माता जी अपना बेटे से मिलने के लिए, माता जी आए मिलने के लिए। अभी जब सची माँ को बोले, महाप्रभु शांतिपुरी में आए और मेरे को बुलाए, अद्वैत आचार्य सुन करके मैया हैं इतने प्रेम में इतने विमोर हो गए, कौन क्या बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं, अभी मैया के अंदर में कोई बाह्य ज्ञान ही नहीं। और मैया क्या करती हैं हर समय, मैया कौन है, जसोदा स्वयं, जसोदा स्वयं अभी कृष्ण ही महाप्रभु और जसोदा अभी सची माँ है, हर समय श्री जसोदा की भाव में विभोर रहते हैं, जिसको देखते हैं, अगर किसी व्यक्ति को देखे उसको प्रश्न करते हैं, बोले क्या प्रश्न करते हैं, मथुरा की कथा, तो कृष्ण मथुरा गए हैं, मेरे लाला कैसे हैं, मेरे कन्हैया कैसे हैं, मेरे गोपाल कैसे, सबको प्रश्न करते हैं, कंस को हैं, कंस को मारने के लिए गए थे, सबको प्रश्न करते, कंस मरा भी नहीं अभी तक ना, अभी जिंदा कंस है, हैं, इसलिए अक्रूर लेकिन अभी अक्रूर क्या कर रहे हैं, क्यों अक्रूर कृष्ण को लेकर गए ना, इसलिए कभी कभी गोपिया बोली अक्रूर नहीं ये क्रूर है, ये अक्रूर नहीं ये कौन है, ये क्रूर है, अगर क्रूर नहीं होता तो मेरे लाला को हमारे कन्हैया को प्रियतम को कभी लेकर नहीं जाते, इसलिए गोपिया उनको क्रूर कहा करते थे। इसलिए अभी सची, अभी श्री सची माता मैया जसोदा का भाव में विभावित है, जैसे कृष्णा मथुरा चले जाने पर माँ जसोदा की जिस अवस्था है अभी सची मैया का ठीक वही वही विप्रलम बरस है, विरह में है, विरह में दिन रात कृष्ण को याद करती, जैसे जसोदा उसी तरह मैया सची भी दिन रात महाप्रभु का चिंतन करते, इसलिए तो महाप्रभु गए ना, क्यों गए, तब तो को ये विरह रस को आस्वादन करने के लिए गए, क्योंकि विरह में क्या होता है, विरह में जहाँ नेत्र पड़े तहाँ कृष्ण स्फुरे, जहाँ उनका नेत्र पड़ता है उधर कृष्ण 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 ही कृष्ण देखते हैं, लेकिन मिलन में क्या होता है, वो सामने में है, वो सामने सामने मिले, लेकिन विरह में अब जिसको प्यार करते हो बहुत दूर में रहते हैं, क्या करता है दिन भर उनको चिंतन करते हैं, दिन भर उसको चिंतन करते हैं, दिन भर उनको चिंतन करते हैं, इसलिए उसका नाम विरह, विरह मतलब क्या कहते, पी मतलब विशेष पूर्वक, रह मतलब होता है क्रीड़ा वा खेल वा मिलन, जो विशेष पूर्वक ऊपर से दिखता है जैसे अलग हो गए, लेकिन अंदर से संपूर्ण रूप में कृष्ण से वो मिलते हैं, हैं संपूर्ण रूप में, इसलिए यहाँ पर सची मैया की वही अवस्था है, हैं क्या कभी कभी सची मैया क्या बोलते, चलो मक्खन बेचने के लिए जाएंगे, हैं मक्खन बेचने के लिए जाएंगे, कभी कभी कहते हैं ओ
नौनी चोरा कहाँ गया? नौनी चोरा समझ मखाने चोर, और मखाने चोर गया कहाँ है? जैसे कृष्णा नटखट करता ना घर में, जब नटखट करता था कृष्णा, इसलिए मैया कहते वो नटखट गया कहाँ, और मखाने चोर गया कहाँ है? इसलिए सच्ची माँ भी कहते वो मखाने चोर गया कहाँ, गया मखाने चोर है? इसलिए आज जैसे कृष्णा क्या किया, एक दिन मटकी फोड़ दिए, जब मटकी फोड़ दिए मैया को बड़ा क्रोध आया, मतलब अभी तक दूसरे घर में मक्खन चोरी चोरी कर खाता था, मटकी फोड़ता था, आज अपना घर में मटकी फोड़ दिया, और ये मटकी मेरी सांस का समय की ये मटकी, पहले तो सिल्वर नहीं होता था, हैं कोई और कोई धातु के, पहले हर चीज मिट्टी से बनती थी, हर चीज मिट्टी से बनती थी, इसलिए मिट्टी जब बहुत दिन तक उसमें दही दूध रखो ना, वो घी को पी 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 करके वो बड़ा मजबूत बन जाता है, बहुत मजबूत बनता हो, उस आज में नहीं टूटता है, हैं? ये लोग कहते मेरी सांस के समय की मटकी और इतने दूध घी पी 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 करके एकदम पूरा इतना मजबूत बन गया था, वो तो साल साल तक चलता है, कहते ये मटकी को उसने फोड़ दिया, आज मैं छोड़ने वाला नहीं इसको, मैं आज बांध करके आज मैं रहूंगी। इसलिए आज उसी भाव से मैया सची कहते जरूर लाला को मैं आज बांधूंगी। कभी कभी ऐसे भावना आती थी, चलो हम यमुना में स्नान करने के लिए जाएंगे, हैं कभी करंदन, कभी ऐसे सची मैया हंसती हैं, हा 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 कर करके घंटे तक हंसती हैं, हंसते हंसते कभी बेहोश हो जाती हैं। इसलिए यहाँ कह रहे हैं बोले गौर चंद्र विग्रहे जत कृष्ण भक्ति, आई रे ओ प्रभु दिया छेन सही शक्ति। कहते इनके अंदर में इतने प्रेम कहाँ से आया? कहते श्री चैतन्य महाप्रभु के अंदर में जितने प्रेम और भक्ति है, महाप्रभु ने ये सारे प्रेम भक्ति उन्होंने सची माँ को उन्होंने प्रदान किया है। इसलिए हर समय सची मैया कृष्णा वेश में डूबी रहती थी, अगर कभी चेतनता होती है दिन भर तो कृष्णा चिंता में डूबी रहती थी, अगर कभी थोड़ी बहुत कभी कभी अगर चेतनता आती थी इनके अंदर में, है इसलिए कृष्ण पूजा के लिए घर में ठाकुर जी है, केवल कृष्ण पूजा के लिए थोड़ी समय के लिए केवल चेतनता इनके अंदर में चेतनता आती थी। इतने में खबर आया है, क्या खबर आया है? अद्वैत आचार्य तो घर में महाप्रभु, अभी महाप्रभु को दर्शन करने के लिए खबर आया है। इतने में गदाधर मुरारी इस जितने आई ये सब के सब सुन करके हैं प्रसन्न हो गए, प्रसन्न हो गए। और यहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु को साथ में जब ये सब मिलने के लिए आए, तब चैतन्य महाप्रभु क्या किया, उन्होंने मैया को दर्शन करके, इसलिए यहाँ कह रहे जो माता के चरण में हर समय हम लोग ऋणी है, माँ के चरण में हम ऋणी है, क्योंकि माता ने हमें 9 महीना तक गर्भ में धारण किया है, अरे हमें प्रसव पीड़ा को सहन की, फिर अपना मुंह की खाना, पहले जब बच्चा नहीं होता मैया क्या करती है, जो खाना आती है सीधा खा लेती थी, लेकिन अभी देखना जब कोई खाना आती है माँ खाती है पहले, जब तक तो बच्चे को नहीं खिलाएगी तब तक तो माँ कोई भोजन नहीं करेगी, अगर बच्चा सो गया किस कारण से, लेकिन मैया जब तक तो अपना बेटे को उठा कर खाना नहीं खिला देती है तब तक तो मैया कोई भोजन नहीं करती। इसलिए माँ की चरण में हम सबके सब, माँ की चरण में हम ऋणी है, माँ की चरण में। इसलिए यहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु आकर के माँ को उन्होंने कृतक प्रदर्शन किया, मैया को उन्होंने स्तुति की है, हैं? इसलिए कह रहे हैं तुम कौन हो बोले विश्व जननी है, क्योंकि भगवान को जिसने जन्म दिया तो विश्व जननी है ये। सची मैया कैसे बोले साक्षात ये भक्ति मई, कभी ये गुणातीत, कभी ये मुक्ति है, कहते मुक्ति मई विष्णु भक्ति स्वरूपिणी सी माँ। इसलिए महाप्रभु अपना माँ के लिए कहते हैं तुम्हें यदि शुभ दृष्टि करो जीव प्रति तब से जीव रहे कृष्ण रति मति। महाप्रभु अपना माँ की महिमा गा रहे हैं, बोले माँ अगर तुम किसी जीव का प्रति शुभ दृष्टि करती हो तभी उनके कृष्ण का चरण में रति मति होती है। बोले तुम कौन हो, बोले तुम्ही गंगा, बोले तुम्ही गंगा, तुम्ही देवकी, तुम जसोदा और तुम माता देवती,
और तुम्हें कृष्ण तुम्हें अनस्या तुम्हें कौशल्या आदि थी, इसलिए माँ जन्म जन्मांतर में तू ही मेरी माँ बन करके आती हो। हर अवतार में तुम्हें तेरा बेटा बन करके आता हूँ, इसलिए तुम हर अवतार में ऐसे आई हो। इसलिए महाप्रभु माँ सब ने अपना असुर विसर्जन किया, माँ को नमस्कार भी किया, और इसको देख करके सची मैया तो एकदम कृष्ण प्रेम में जड़वत है। मतलब मैया के शरीर में कोई ज्ञान नहीं, कुछ ज्ञान नहीं है, ज्ञान नहीं। माँ के चरण में प्रभु बोले कृष्ण भक्ति देख किछु आमार, केवल एकादशा प्रसाद तुम्हार। कहते माँ मेरे अंदर में ये जो भक्ति है ये भक्ति आया कहाँ से? बोले तुम्हारी कृपा से ही भक्ति आई, तुम्हारी कृपा से भक्ति आई। इसलिए फिर हम लोग फिर हम माता जी की ऋणी कैसे उतार सकते हैं? कहते माँ की ऋणी कोई नहीं उतार सकते, लेकिन जगत में कितना ऋणी है? कहते 5 ऋणी है, देवताओं का ऋणी, ऋषियों का ऋणी, जितना जीवों का ऋणी, पिता माता का ऋणी, देवता ऋणी, राज ऋणी, अगर 6 तरह का ऋणी है। कहते अगर माँ की ऋणी अगर कोई चुकाने के लिए कोशिश करे तो माँ की ऋणी कोई नहीं चुका सकते, पर इतना सारे ऋणी रह गया कैसे चुकाओगे? लेकिन भागवत कहता है सर्वात्मना ज शरणम शरणम गतम मुकुंदम परिहर्त कर्तव्य। जो व्यक्ति भगवान के शरण में आ जाए, ठाकुर जी के भगवान के शरण में आ जाए, क्या होगा? सारे ऋणी अपने आप मुक्त हो जाएगी, क्योंकि जगत का पिता कृष्ण वो जगत नाथ है, विश्व ब्रह्मांड उनका ऋणी में ऋणी है, उनका ऋणी में ऋणी है। इसलिए जब आप इनके चरण में भजन करने के लिए आ जाए, भगवान कहते हैं मैंने 36 करोड़ कर्म गांधी ब्राह्मणों को मैंने नियुक्त करके रखा। बोले क्यों? बोले जो व्यक्ति मेरे भजन करने के लिए आ जाएगा उसका जितने पीछे काम रहेगा तुम लोगों को करना है, तुम लोगों का करना। और सचमुच से जो भजन करने के लिए आता है ना वही पिता माता का ऋणी से ही चुक सकता है, वही सचमुच से पिता माता का ऋणी चुकाता है। क्यों? जब वो भक्ति करता है पहले उसको वैकुंठ बोलो कि वृंदावन उसको प्राप्त नहीं होता, पहले माँ वैकुंठ जाती है। जैसे ध्रुव, ध्रुव को बोले चलो वैकुंठ रथ आ गया, बोले मेरे माँ कहाँ है? बोले क्यों माँ को क्यों ढूंढ रहे हो? बोले माँ के आशीर्वाद से आज भगवान मिले, माँ को लिए बगैर नहीं जाऊंगा। बोले तेरे माँ देख पहले जो रथ जा रहा है ना तेरी मैया बैठ कर जा रही, तो माँ को पीछे 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 जा रहा, आगे नहीं माँ के पीछे पीछे। क्यों? माँ तुमको गर्भ में धारण की, लालन पालन की है, माँ के चरण में सबसे पहले ऋणी, इसलिए पहले पिता माता उद्धार होंगे फिर बेटा उद्धार होगा। इसलिए कहते हैं वो कोई कोई कहते ना तुम पिता माता की सेवा नहीं किया, घरवार छोड़ करके साधु बन गया है, फिर क्या होगा? पिता माता का ऋणी कैसे? पिता मैया ने तुमको जन्म दिया, लिखाया पढ़ाया, इतना बड़ा कर लिया और उनको अंगूठा दिया कर तो चला साधु बन गया है, साधु बन गया, फिर इनका ऋणी से मुक्त कैसे होगी? इसलिए हमारे गुरु जी कहते थे सही ऋणी से देखो जो भजन करता है वही ऋणी से मुक्त होता है। बोले माँ की सेवा करता, घर में एक बहू आ जाती है ना, एक रात में ऐसे कान में मंत्र देती अपना भैया को निकाल देता घर से, घर जो पिता माता की सेवा करता, बहू की सेवा करती। अभी तक जब तक शादी नहीं होता है ना, जो पैसा कमाता है वो बड़ी माँ को हाथ में देती है, लेकिन जब शादी हो जाती है ना जो तनख्वाह आती है छोटी माँ के हाथ में जाती है, वो बड़ी माँ के हाथ में नहीं, और पैसा छोटी माँ के हाथ में जाती है पैसा है। इसलिए मेरे गुरु जी कहते थे असली जो पिता माता की सेवा जो भजन करता है वही केवल मुक्त होता है, और जो भजन नहीं करता है ना थोड़ी पिता माता की सेवा करेगा, बहू की सेवा करेगा, पिता माता की नहीं। और बहू उस समय में अपना जो माँ गाली देती है तेरे को बड़ा किया, इतना किया, पढ़ाई लिखाया, शादी हो गया तो बहू सब कुछ हो गया तेरा, अरे तो उसका शत्रु बन जाता है, हमने बहुत देखा एकदम शत्रु बन जाता है उसका पूरा। इसलिए असली पिता माता की सेवा कौन करता है? जो भजन करता। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु करे माँ को क्यों त्याग दिए, क्यों महाप्रभु त्याग दिए, कारण क्या है? बोले असली जो सेवा जो सन्यासी बनता है जो भगवान की भजन करता है वही असली पिता माता का सेवा करता। एक जीवन में मैंने पिता माता को खिलाया, कितने जीवन ऐसे बीता, हर जीवन में तुम्हारी पिता माता मिला कि नहीं? अभी इंसान बने एक पिता माता, जब कुत्ते गधे बने थे तभी तो पिता माता तुमको मिला कि नहीं? इसलिए बोले सकल जन्मे सब पिता माता पाए, ऐसे कोई जीवन नहीं जिस जीवन में हमें
पिता माता नहीं मिले, लेकिन कृष्ण गुरु नहीं मिले, भज ही आए, लेकिन जीवन में गुरु कृष्ण नहीं मिले, इसलिए क्या करो, अपना हृदय से गुरु वैष्णव भगवान की भजन करो, हैं? इसलिए अगर भजन करोगे क्या होगा, कोई सोचेगा ना, नहीं, अगर आप भजन के लिए पिता माता कौन देखेगा, पिता माता बढ़िया रूप में बहुत अच्छे तरह से उनका जीवन चलेगा, क्यों, भगवान के चरण में तुम आ गए हो, इनकी सेवा कर रहे हो, फिर भगवान का चिंता लगता है, इनके पिता माता कौन सेवा करेगा, ये तो मेरे सेवा में आ गया, ये तो मेरे सेवा में आ गई। कभी एक सही घटना है, एक माता जी वृंदावन में रहती थी, एक माता जी घर में रहती थी, अभी उसने माता जी घर बार छोड़ करके अपना लड्डू गोपाल लेकर के वृंदावन में आ गई, और लड्डू गोपाल को भी अपना बेटा मानती थी, और उनको सारा जीवन जैसे बच्चे को सेवा करती है, ऐसे ही माता जी सारा जीवन सेवा की, सारा जीवन सेवा की, लेकिन अभी सेवा करते करते अभी वृद्धा हो गई, अभी इनका सेवा कौन करेगा, गोपाल स्वयं करते हैं, स्वयं मार्केट में जाते हैं, कि वृंदावन में कथा है, स्वयं रसोई बनाते हैं, और जाकर के ठाकुर जी उनके लिए पानी लाते हैं, मार्केटिंग भगवान करते हैं, क्यों, इसलिए विश्वनाथ चक्र ठाकुर कहते हैं, जो व्यक्ति सारा जीवन भगवान की सेवा करेगा, जब वो सेवा नहीं कर पाएगा, उनका सेवा ठाकुर को करना पड़ेगा, क्योंकि उसने सारा जीवन उसने ठाकुर को सेवा की, पर उनका सेवा कौन करेगा, इसलिए बोले अनायसन मरणम बिना दैन्यन जीवनम अनाराधित गोविंद चरणम कथम स्यात्, हैं, कत अनायास में मरण मृत्यु होना और बिना दैन्यन जीवनम बिना दुख के जो जीवन बीतना, केवल एक व्यक्ति का जीवन बिना दुख से कटता है और अनायास में मृत्यु केवल एक व्यक्ति का होगा, बोले किसके, बोले अनाराधित गोविंद चरणम कथम स्यात्, जो केवल भगवान की भजन करते हैं निष्कपट होकर के उसका जीवन ही सुख बीतेगा और उसका मृत्यु ही अनायास में होगा, हैं? नहीं तो कोई कोई व्यक्ति बिस्तर में साल साल तक पड़े रहते हैं, सड़ते रहते हैं, देखने वाले कोई नहीं, पूरा घर वाले गाली देते रहते, बूढ़ा मर नहीं रहा है, बूढ़ी मर नहीं रहे, पूरा परिवार को परेशानी करके रखा, दूर से देखे तो वो रास्ता नहीं जाएंगे, घूम करके जाएंगे, वो बूढ़ा बुला नहीं दे, हैं? इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं सची माँ को महाप्रभु अपना माँ की क्या कर रहे हैं, वंदना कर रहे हैं, वंदना करते हुए कहते हैं गंगा तुलसी जगत पवित्र करे, गंगा तुलसी जगत को पवित्र करती है, लेकिन जो वैष्णव है कहते उसको गंगा तुलसी को पवित्र करने वाले कौन है, वैष्णव है, बोले माँ तुम्हारी स्पर्श से गंगा तुलसी तुम्हारी स्पर्श से पवित्र होती है, इसलिए भगवान यहाँ पर अपना माँ को माँ को दंडवत करके हैं, माँ का ऋणी हम कितना है, यहाँ पर महाप्रभु अपना मुंह से ये चीज को व्यक्त कर रहे हैं, ठीक है, फिर कल हम सुनेंगे फिर महाप्रभु के लिए मैया कितना प्रसाद बनाती है, और महाप्रभु 10 तरह का साग 10 तरह का व्यंजन कितने तरह का चावल है, बोले श्री सच्चिदानंद गौर हरी की जय, वंचागल पुत्र कृपा सिंधु भैव पतितानंग पावने भो वैष्णवे भो नमो नमः, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama,